नमस्कार दोस्तों, क्या आप 10वीं पास हैं या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन में 10वीं है और अगर आप जो है इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहेगा, या फिर आपने हाल ही में 10वीं की है तो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखता रहेगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में आपको खासतौर पर बताने वाला हूँ कि 10वीं पास करने के बाद आप किस प्रकार जो है भारतीय नौसेना का हिस्सा बन सकते हैं, भारतीय नौसेना में नौकरी पा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ, जो नेवी होती है 10वीं पास के बाद आपको जो है सामान्यतः अगर आप सिविल जॉब करेंगे या फिर कोई प्राइवेट करेंगे तो आपको काफ़ी कम सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप 10वीं पास के बाद ही जो है भारतीय नौसेना को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी खासी 40 से 50 हज़ार रुपये वाली जो है नौकरी मिल सकती है, केवल और केवल 10वीं की योग्यता के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहेगा। उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों यहां पर अगर आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं 10वीं पास, तो आपके पास दो एंट्रीज होती हैं। यहां पर दोनों ही पोस्ट में आप जो है नेवी में एज ए सेलर जो है ज्वाइन करोगे, यानी एज ए सेलर आप जो है इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों अगर आप 10th पास जाएंगे तो आप जो है MR यानी जो मैट्रिक रिक्रूट होता है, जिसमें आपकी सेफ, स्टेवर्ड और हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है, और दूसरा है म्यूजिशियन। तो इन दो रास्तों से आप जो है भारतीय नौसेना को 10वीं के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अलग तरीके हैं दोस्तों, जैसे कि आप जो है MTS हो गया, नौसेना में कई बार MTS के ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ये जो वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 100% निकलती हैं साल में, और नेवी MR तो साल में 2 बार निकलती है और म्यूजिशियन साल में 1 बार जो है निकलती है, यानी इनका कन्फर्म है और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ मैं बता दूँ दोस्तों, इनमें आपको कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि म्यूजिक में सर्टिफिकेट या फिर कोई और जो है कुक का, ये कोई भी आपको जो है यहां पर कंपलसरी नहीं है। अगर आप 10वीं पास है, 10वीं में अगर आपके 33% मार्क्स भी हैं, बस आप पास होने चाहिए, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आयु सीमा रहती है वो रहती है 17.5 साल से 21 साल, यानी अगर आपकी एज जो है 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच है तो आप इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो है कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है हाइट की, यहाँ पर आपकी जो मिनिमम हाइट है, कम से कम आपकी जो ऊंचाई है वो 157 सेंटीमीटर जो है होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट ही केवल और केवल इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, एक बार फिर से मैं क्लियरली कर रहा हूँ, जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो इस वीडियो को स्किप कर सकती है क्योंकि उनके काम की ये वीडियो नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। आयु यहाँ पर हाइट मैंने बताया दोस्तों 157 सेंटीमीटर कम से कम, वेट आपके हाइट के अनुसार जो है होना चाहिए, 5-10% जो है ऊपर नीचे वेट चल जाता है दोस्तों, लेकिन वेट आपका जो है हाइट के प्रोपोर्शन होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो नेवी MR की भर्ती होती है दोस्तों, वो साल में 2 बार निकलती है, एक तो जून जुलाई और दूसरी नवंबर दिसंबर में। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अब से जो है नेवी MR के लिए ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो गया है, लेकिन जो म्यूजिशियन होता है दोस्तों इसके लिए ऑफलाइन ही रहता है सारा का सारा प्रोसेस। तो यहां पर जो है MR में आप जो है काफी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, और जो इसकी कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज लगती है, यानी अगर आप जो है जैसे गुजरात से बिलोंग करते हैं या फिर किसी भी अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, सभी की जो कट ऑफ होती है इसमें अलग अलग रहती है क्योंकि हर स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, नेवी MR के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको 205 रुपये जो है फीस देनी पड़ेगी, अगर आप म्यूजिशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी फीस यहां पर नहीं देनी होगी। तो ये यहां पर जो है ऑनलाइन एग्जाम होने के कारण MR में आपको फीस देनी होगी, लेकिन म्यूजिशियन में फिलहाल जो है अभी तक जो पिछले फॉर्म भरे गए थे दोस्तों कोई भी फीस नहीं रखी गई थी। अब से हो सकता है कि म्यूजिशियन का भी जो है सारा ऑनलाइन हो जाए या फिर वो भी जो है फीस ले, तो अभी तक यहाँ पर जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही म्यूजिशियन के फॉर्म निकलेंगे उनमें कोई बदलाव होता है तो हम आपको बता देंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी नया फ्यूचर में अपडेट आए तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता सकें। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो यहाँ पर बेसिकली मेरिट बेस होता है। आपकी जो सिलेक्शन डिसाइड करता है वो एग्जाम में
परफॉर्मेंस डिसाइड करती है कितना अच्छा आपने स्कोर किया है। उसके बाद जो आपका पीएफटी और मेडिकल होता है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, सारी की सारी मेरिट आपका जो है एग्जाम डिसाइड करता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि सैलरी कितनी रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं शुरुआती सैलरी की बात करूँ दोस्तों, तो आपको जो है ट्रेनिंग पर लगभग 8 से 9 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जो है ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर सैलरी जो है 20 से 25 हज़ार होती है। इसी प्रकार आपकी जो है सैलरी इंक्रीज करती रहती है। यहाँ पर आपकी मिनिमम जो जॉब होती है दोस्तों कम से कम 14 साल की होती है, जिसे आप परमानेंट कर सकते हैं दोस्तों, यानी इंक्रीज करा सकते हो 20 साल 25 साल, वो जो है आगे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो है 14 साल के लगभग आपकी जो है कम से कम आपको एज जॉब आपको करनी होगी। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहां पर जो सैलरी रहेगी मैक्सिमम आपकी 60 हज़ार तक जो है सैलरी पहुंच सकती है, क्योंकि काफी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। और एमआर में अगर आप ज्वाइन करते हो तो प्रमोशन लेके आप जो है पीटी चीफ ऑफिसर तक जो है बन सकते हैं। तो प्रमोशन भी इनमें काफी अच्छा खासा है और सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि दोस्तों और भी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको 50 हज़ार लगभग जो है सैलरी मिलेगी और योग्यता जिसमें केवल और केवल 10th पास रहेगी। तो शायद ही ऐसी कोई और जॉब होगी जिसमें आपको इतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी इतनी कम योग्यता के बेसिस पर। दोस्तों अगर आप इनके लिए योग्य हो तो जरूर से इनके लिए आवेदन कीजिएगा। अब जो है जून में ही इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, फिर दिसंबर में निकलते हैं, इस प्रकार जो है इनके फॉर्म निकलते रहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसमें एग्जाम डेट भी दी होती है, साथ ही साथ मेरिट डेट्स भी दी होती हैं। सारी की सारी ये जो शेड्यूल होता है दोस्तों, कब आपका एग्जाम होगा, कब फिजिकल होगा, कब मेडिकल होगा, कब फाइनल ज्वाइनिंग होगी, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है बिल्कुल शेड्यूल्ड होता है। तो यहाँ पर आपको जो है ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमने अब फॉर्म भरा था कब जो है एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सारा का सारा काम शेड्यूल्ड है। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया था कि यहाँ पर जो एज लिमिट है दोस्तों 17 से लेके 21 साल, यहाँ पर जो है किसी भी कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, एक्स सर्विस, यानी कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, सबके लिए जो है सेम आयु सीमा यहाँ पर रखी है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, इंडियन नेवी में आप जो है 10th पास भर्ती हो सकते हो, साथ ही साथ और भी पोस्ट होती हैं, सिविलियन होती है, लेकिन दोस्तों उनके फॉर्म जो है कभी निकलते हैं कभी नहीं, लेकिन ये जो है आपकी फिक्स हैं, डेफिनेटली इनके फॉर्म निकलते हैं। अधिक जानकारी चाहते हैं आप एमआर के बारे में या फिर म्यूजिशियन के बारे में, तो मैंने इनके बारे में सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं उनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप एमआर की तैयारी में अभी लग सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होता है और काफी ज्यादा कंपटीशन अब से होने लगा है, तो जरूर से इनके लिए अप्लाई कीजिएगा अगर आप इनके लिए योग्य हैं। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो में नहीं दी हो और आप जानना चाहते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो या फिर कोई क्वेरी हो, कोई हो, तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप जो है एमआर की या फिर म्यूजिशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, सारा का सारा सिलेबस जो है उनका उनमें करवाया हुआ है और काफी अच्छी पुस्तक है दोस्तों। हाल ही में नेवी एमआर के एग्जाम में हमारी पुस्तकों से काफी क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।